फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग राधे राधे जी कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में तो फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम है और अभी नाश्ता बन रहा है शनिवार का दिन है और अभी झटपट मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर हलवा कल कल जो हमने काजल बनाया था अरे इसको अच्छे से बनाते हैं देख सकते हैं काजल कैसे कटोरी में ये लिपटा गया है पूरा तो इसकी इसको हमें क्या करना है आगे तो चलिए बताते हैं और आँखों में लगाते हैं आज मेरे पास ये डिब्बी थी ब्रो प्लस का खाली डिब्बी जो कि खत्म हो गया है तो उसे अच्छे से धोकर पोछ लिया है हमने अब इसमें क्या करेंगे कि इस काजल को भर देंगे और डिब्बी में पैक करके रख देंगे जब भी लगाना होगा मन करेगा तब लगा लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना काजल जमा हो चुका है तो जितने भी काजल हैं सभी को एक जगह कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें मैंने घी डालकर जो खाने वाला घी है उसी को इसमें हल्का एक चुटकी डालकर इसमें मथल दिया है मथलने के बाद इसमें हम डब्बे में पैक कर देंगे तैयार हो गया है हमारा काजल तो चलिए इसे हम लगाते हैं तो मैंने इसका ब्लॉग मैंने कैसे बनाया है इस काजल को होममेड काजल को वो मैंने नेक्स्ट पहले के वीडियो में मैंने दे दिया है जो कि आप लोग अगर चाहें तो आ, जा जाकर देख सकते हैं और अपना घर पर ही काजल बना सकते हैं ये है काजल ना कि आँखों को साफ रखता है जब भी आप बाहर से आएँ काजल लगाकर सो जाए रात में जितनी गंदगी भी निकल जाती है आप घर पर लगा सकते हैं इसे ये देखिए मार चावल और टमाटर खा रहे हैं तो दोपहर की खाने की मेरी हो गई चुकी है डिब्बी आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसमें आटे नहीं लग लगा हुआ है ये डिब्बा ना थोड़ा पेंट लग गया था इस डब्बे में तो ऐसा दिख रहा है उजला वाला पेंट लग चुका है तो अभी मैं यहाँ पर ये तीसी है जो कि तीसी का पीठा आज बनाने जा रहे हैं आलू का पीठा मैंने बनाया था लेकिन आप लोगों को दिया नहीं था लेकिन ये सोच रही हूँ ना तीसी भरवा पीठा मैं बनाने जा रही हूँ आज मन कर रहा है और सबको पसंद है तीसी भरवा पिठा मुझे भी बहुत पसंद आता है ये तो आज यही बना देंगे दो दो पीस सबका सबके लिए हो जाएगा और खाना मेरा तैयार है अभी देख ही चुके हैं कि मार चावल और टमाटर बचपन में बहुत खाए खाते थे ये इनको बहुत पसंद है तो कभी कभी ये इंजॉय कर लेते हैं इस तरह से तो अभी मैं क्या करूँगी कि जितने ये जो तीसी है तीसी आप लोग शायद इसे क्या कहते होंगे हाँ अलसी भी कहा जाता है इसे अलसी के नाम से भी सभी जानते होंगे लेकिन हम लोग इसे तीसी ही कहते हैं तो यहाँ पर अच्छे से भून गया था धीमी आंच पर अच्छे से भून भान कर मैंने तैयार कर दिया जब हमारा पटपटाना बंद हो जाए तब तक भूने इसको और भुनने के बाद इसे तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मिक्सी में मैंने चला दिया है महीन ज़्यादा महीन नहीं हल्का थोड़ा सा आ, मतलब दरदरा दरा रहे बस और इसके बाद जितना हमने तीसी लिया था उतना ही गुड़ ले लिया है और दोनों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथों से पूरा बढ़िया से इसे मिक्स कर लेना है कि एक एक पार्ट उसमें मिल जाए और देखिए तैयार हो चुका है हमारा तो तीसी में जो मैंने मिला दिया है गुड़ अच्छे से तैयार होकर रख दिया है अब मैं यहाँ पर चावल के आटे की तैयारी कर लेती हूँ तो गर्म पान जब भी आटा चावल का आप गूथ रहे हैं ना तो गर्म पानी से ही गूथिएगा ताकि मुलायम बनते हैं और फटते नहीं हैं पिट्ठे तो यहाँ पर क्या करूँगी गर्म पानी थोड़ा थोड़ा दे दे कर मैंने इस तरह से गूथ लिया है और आटा जब भी गूथे तभी से आप बनाना शुरू कर दें ये चावल वाले आटे को तो यहाँ पर मैंने भगोने में भी आधा भगोना मैंने पानी चढ़ा दिया है पानी में ही बनता है ये पीठा और रसगुल्ले की तरह नज़र आता है बहुत अच्छा लगता है खाने में तो चलिए अभी इस तरह से मैंने बना दिया है कटोरी का शेप देकर और फिर पूरा भर भर के ये तीसी आप इसमें डालिए क्योंकि जितना आपका ये भरा रहेगा ना उतना ही स्वाद लगता है खाने में जब हम लोग खाते हैं ना तो आटा ना मिले तीसी मतलब ये मसाले के साथ खाने को मिले पिठा तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में कोई चीज़ अगर पूरा भर के बनाओ ना तो भी तो ही अच्छा लगता है तो चलिए इस तरह से हमने गोल कर दिया है और फिर गरम जब पानी हमारा खोलने लगे तभी इसमें सारे जितने भी आपने बनाया है उतना डाल देना है लेकिन ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है हिसाब से डालना है जितना आपका भगवाना है जितना पानी है उसी के हिसाब से डालिएगा तो मैंने यहाँ पर पाँच छः पिट्ठा मैंने डाला था और जब भी आप डाल रहे हैं ना तो मतलब तेज़ आंच में ही इसको दस पंद्रह मिनट पकाना है और आपको देखना है कि जब भी आपका पक जाएगा ना पिठा तो ऊपर की ओर छहला जाता है यानी कि ऊपर की ओर आ जाता है पिठा और दाने दाने भी दानेदार आपको दिखेगा ये पिट्ठा देखने में आपको दिखा भी दिया है कि देखिए कि कितना दाने दाने दिख रहा है और देखिए कितना पिट्ठा ऊपर की ओर तैर रहा है पानी के ऊपर तैर जाता है जब हमारा ये पक जाता है तो ये देखिए हमारा रसुल्ले की तरह तैयार हो चुका है सभी को मैंने तैयार करके रख लिया है तो बस ये ठंडा हो जाए तो सबको परोसूंगी तो दोस्तों आज है मकर संक्रांति और आज है रविवार रवि रविवार का दिन है और आप सभी को मकर संक्रांति का ढेर सारे शुभकामनाएँ तो हम लोग चौदह तारीख को भी है पंद्रह तारीख को भी है लेकिन चौदह तारीख को दिल नहीं खाया जाता है मतलब आज है रविवार रविवार के दिन नहीं खाया जाता है और पंद्रह तारीख को भी है लेकिन हम लोग नहीं आज ही मना लेंगे तो चलिए अभी मैं बाहर का एरिया साफ़ कर रही हूँ घर का पूरा एरिया साफ़ कर दिया है जगह चेक -चग कर दिया है ये देख सकते हैं स्नान करना बाकी है मुझे बस बाक़ी सब एरिया मैंने सुबह से उठ कर साफ़ किए हैं क्योंकि आज है रविवार और पूरा डीप क्लीनिंग मैंने किया है सारे कपड़े जो है सभी धुल कर रखे हुए हैं कुछ वहाँ टगने पर है कुछ रस्सी पर मैंने है कुछ कल के पास है टंगे हुए सब पानी गड़ रहे हैं इसको धूप आएगी तब डालेंगे और घर में घर की पोछा वगैरह सभी लग चुके हैं बस पूजा करनी बाकी है और घर को चका चक करके रख दिया है सुबह सुबह ही आज मच्छरदानी वगैरह सभी खुल गए सभी को उठा दिया है और बिस्तर वगैरह सेट कर दिया है लेकिन एक अभी सोया हुआ है इस रूम में तो इस रूम में अभी मुझे सेट करना है ये हर्ष है जो कि सो रहा है अभी तो चलिए अभी सोते सोने देते हैं बाकी सब कामों को हम निपटाते हैं आज है मकर संक्रांति तो कितने लोग आज भी मना रहे हैं कल भी मनाएंगे पंद्रह और चौदह दोनों का दिन कितने लोग मनाते हैं कितने लोग चौदह को मना रहे हैं तो आप लोग बताइएगा किस दिन मना रहे हैं चौदह को या फिर पंद्रह को मनाएंगे तो अभी तो सारे काम हम हमारा जो है निपट चुका है पूजा पाठ में लग गए हैं तो अभी जितने पीतल वाले बर्तन थे उसे मैंने धो लिया है तो अभी सूर्य भगवान पर जल चढ़ेगा इसके बाद मैं पूजा कर लूँगी और ये देखिए मैंने तो निकाला घी तो सोचा कि थोड़ा सा बत्ती वगैरह जला देते हैं सुबह सुबह तो क्या है ना कि सारे रुई भी मैंने निकाल लिए हैं जब देख रही हूँ ना इसे घी के अंदर तो इतना जमा हुआ घी है एकदम पत्थल हो रखा है अब सोच रही हूँ कि इसे पिघलाऊँ तो कैसे पिघलाऊँ तो सोचा कि चलो अभी रख देते हैं इसे नहीं होगा अभी टाइम भी नहीं है मुझे बनाना भी है खाना तो अभी मैं कपूर की ही बाती जला दूँगी और कपूर भी घर में जलना ज़रूरी होता है दिया ही नहीं कपूर भी अगर हो तो कपूर भी जला सकते हैं घर में तो सोचा कि चलो अभी पिघला इतना ठंड है कि एकदम नारियल तेल एकदम जम जाता है और घी भी एकदम जम गया था सुबह सुबह टंगे का पानी भी खत्म हो गया था तो इसलिए राहत हम लोगों को ये मिली कि गरम गरम पानी से नहाना मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि जब मोटर का पानी जो होता है गर्म होता है गिरता है और टंकी का पानी जो होता है बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है तो सभी अभी अभी मैंने भरा है पूरा तो मैं भी स्नान की थी और बच्चे लोग भी उसी से जल्दी जल्दी स्नान कर लेंगे नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा पानी क्योंकि मोटर वाले पानी कुछ देरी के लिए एकदम सुषम मतलब धरती के अंदर से जो निकलता है ताज़ा ताज़ा पानी ना एकदम गर्मा गर्म निकलता है जो कि गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई रूम में सभी अपना स्नान ध्यान करेंगे तब तक यहाँ पर मैं बना देती हूँ सब्ज़ी और मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ सिर्फ सब्ज़ी ही बनती है बाकी सब कुछ नहीं बनता है तो चलिए कैसे हम सब्जी बनाते हैं और आलू दम जैसा एकदम पूरा स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा सुबह से लेकर आज दिन भर हम लोगों को वही खाना है सब्जी के साथ चूरा भी मैंने मंगा लिया है तो चलिए यहाँ पर जुगाड़ कर दिया है सारा चीज़ लाकर काट पीट लेंगे आज के दिन हमारे यहाँ फुलकोभी मटर की ही सब्ज़ी बनता और सबके यहाँ मैं यहाँ पर मैं दूर तक नहीं बता सकती हूँ लेकिन यहाँ पर फुलकोभी आलू की सब्जी ही बेस्ट रहता है सब कोई बनाते हैं और आज के दिन फुलकोभी भी महंगे ही होते हैं और मटर महंगे कर दिए जाते हैं तो महंगा थोड़ा मिला है मुझे तो चलिए अभी सभी चीज़ की तैयारी कर लिया है मैंने कढ़ाई भी एक तरफ़ चढ़ा दिया है और एक तरफ मेरा आलू पक चुका है पाफने के लिए मैंने स्नान करने से पहले ही रख दिया था और इधर खर्च भी उठ गया है तो वो भी अब स्नान ध्यान करेगा तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं सभी को फिट फाट होने तक मैं सब्जी तैयार कर लूंगी तो यहाँ पर फुलकोभी को अच्छे से डालकर मैंने भून लिया है और देख सकते हैं फूलगोभी मैंने एक के जी के लगभग मैंने मंगाया था सभी से सभी का बना दिया है मतलब एक कढ़ाई मैं बनाऊंगी आज कि शाम तक फिर बनाना न पड़े और यही सब्जी खाएंगे सभी लोग पसंद करते हैं स्कूल में छुट्टियाँ मिल चुकी हैं एट एट क्लास तक छुट्टी है बच्चों का और एट क्लास के बाद तक का खुला हुआ है तो अभी दो दिनों तक छुट्टी है बच्चों का और हस्बैंड जी आज घर पर भी नहीं हैं कल से ही निकले हुए हैं तो आज शाम तक वो आएंगे तो शाम में ही वो सक, मकर संक्रांति मनाएंगे तो चलिए कढ़ाही एक तरफ मेरा चढ़ा हुआ है और वहाँ पर मैं बना ही रही हूँ और ये है आलू जिसे मैं अच्छे से फाक फाक करके काट लूँगी और एक बहुत सारा मैंने आलू आज पका दिया है क्योंकि आलू और मटर की सब्ज़ी और मिक्स करेंगे फुलगोभी भी तो इसकी सब्जी बनानी है बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है लेकिन जानते हैं जब भी पर्व त्यौहार होता है ना तो पता नहीं क्यों सब्जियों में ज्यादा ही टेस्ट आ जाता है गौर कीजिएगा बनाऊंगी तो उसी उसी तरीके से लेकिन टेस्ट बढ़ जाता है पर्व त्योहारों में खाने का पता नहीं क्यों तो चलिए ऐसा हो जाता है भाई तो यहाँ पर जितने भी मसाले थे मैंने डाल दिए हैं हल्दी और दो तीन चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और एक गरम मसाला मैंने इस पे डाला है और सर्दी से एकदम बोला नहीं जा रहा है फिर भी सोच रही हूँ कि आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊं क्योंकि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद पड़ता है जो मुझे प्यार करते हैं देखते हैं वीडियो को पसंद करते हैं उनके लिए ना भेजूँ तो अच्छा नहीं लगता है मटर गोभी आलू सभी को डालकर अच्छे से भून भून दूँगी और मसाले तो मैंने भून ही दिया था अच्छे से नमक मैंने डाल दिया था लेकिन अभी फिर से मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है क्योंकि सब्जी के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि सब्ज़ी ज़्यादा कुछ है तो नमक मैंने कुछ कम डाला था तो अभी मैंने नमक फिर से थोड़ा सा हल्का बढ़ा दिया है और यहाँ पर पानी डाल देंगे बस हमारा ये जो सब्जी है झटपट तैयार हो गया है तो बस बाकी बचा ये धनिया पत्ता इसे भी इसमें डाल देते हैं भर भर के बहुत ही अच्छा बना था और चलिए इसे ढकते हैं ये होते रहेगा तब तक तो बाकी के काम मैं निपटा लेती हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी होते होते नहीं बैठी नहीं रहूँगी ठंड का मौसम है जल्दी जितना जल्दी कामों को निपटा लूँ तो अच्छा रहता है तो देखिए क्लीन भी है मैंने ये रसोई रूम कर ली है और बर्तन भी मजने मेरी हैं तो मैं सोच रही हूँ ना कि सभी को जितने भी बर्तन हैं खाली कर कर के जो भी अस्त वेस्त पड़े हुए हैं सभी को माँज कर हटा दूँ कूड़ा कर कर जो भी सब्जियां वगैरह निकला है जो प्लौी में मैंने रख दिया है तो इसे अच्छे से सफाई कर लेंगे जितने भी थाली गंदे हुए हैं क्योंकि सब्जी रखने में प्याज वगैरह काटने में कुछ भी रखने में गंदा हो ही जाता है तो चलिए ये है चूरा पाँच के जी मैंने चूरा मंगाया है आज ही सुबह सुबह आदित्य को भेजा है पहले चूरा ले आओ तो ये है पोहा भी आप लोग कर सकते हैं इसे तो ये हम लोग चूरा ही कहते हैं तो मैं चूरा ही बोलूँगी आप लोगों से तो चलिए अभी चूरा को भी थोड़ा सा निकाल लिया है धो कर रख देते हैं इसे और ये चूरा मैंने मंगवाया है दुकान से गाँव से इस बार नहीं आ पाया है क्योंकि अभी धान वगैरह नहीं हो पाए हैं वहाँ तो इसलिए इस बार मैं खरीदी हूँ नहीं तो हर बार मेरा गांव से ही आ जाता था धोकर अच्छे से पानी गार के मैंने रख दिया है चूरा को ढककर तो सब्जी भी देख सकते हैं हमारा तैयार हो चुका है तो बस और ये देखिए हमारा दही जम चुका है पूरा लाल लाल एकदम तो दही तो बहुत बहुत अच्छा जमा है दही तो बहुत अच्छा जम गया है पूरा अच्छे से लाल करके मैंने पूरा अच्छे से खुलाया था एक घंटा लग गया था खौलाने में इसको लेकिन चलिए दही बहुत अच्छा जम चुका है मैं सोच रही थी कि जमेगा या नहीं लेकिन पूरा अच्छा से जम चुका है तो अब चलिए हमारा सब्जी भी हो गया है मैंने चूड़ा को भी धो कर रख दिया है और दही भी हमारा तैयार ही है लेकिन आज रविवार है तिलकुट तो लाई हूँ पर तिलकुट खाना आज के दिन नहीं रहता है वैसे तो कल था पंद्रह तारीख को मनाया जाएगा कितने मना रहे होंगे लेकिन चौदह तारीख को हमेशा से सभी मनाते हैं तो बच्चे को बच्चे लोगों को आज ही मतलब बहुत सारे लोग चौदह को भी मना रहे हैं और पंद्रह को भी मना रहे हैं तो कल भी थी है मकर संक्रांति है आज, ही, आज भी मकर संक्रांति है तो कुछ लोग कल मनाएंगे पंद्रह तारीख को कुछ लोग आज मना रहे हैं तो आज हम लोग मना रहे हैं लेकिन तिलकुट आज के दिन नहीं खाया जाता है क्योंकि क्योंकि आज है रविवार और तिल वाले सामान आज तिल की चीजें नहीं खाया जाता है आज के दिन तो हम लोग नहीं खाएंगे बस बाकी सब खाएंगे और कल भी हम लोग मना लेंगे मकर संक्रांति तो चलिए हमारा दही जो हो गया है दही अच्छे से तैयार खाएगा सुराल कर देखो देखो कौन है आदि खाया तो, दोस्त। तो दोस्तों एक एक हैं जो कि कमेंट किया हुआ था कि तीन बच्चे हैं तो एक को फेंक दूंगी क्या तो इस तरह से कमेंट आया था मुझे पता नहीं क्यों लिखा था मुझे समझ में नहीं आया हाँ पता नहीं कौन लिखा था ऐसे पता नहीं मुझे पर क्या सोच के वो उन्होंने लिखा था मुझे भी पता नहीं है मेरे या फिर सोच रहे होंगे कि तीन बच्चे हैं या दो को दिखाते एक को नहीं शायद ये भी सोच रही होंगी तो मैं बता दूं कि मेरे दो ही बच्चे हैं तो दो बच्चे को दिखाती ही हूँ आप लोगों को और एक्स्ट्रा जो दिखता है ना वो मेरे भतीजा होता है और मेरी बहन की बेटा एक बेटी है वो होते हैं आते रहते हैं यहाँ अगल बगल ही घर है यहाँ तो इसलिए आते जाते रहते हैं ये बता दूँ मैं आप लोगों को तो दो ही बच्चे हैं मेरे भाई तीन बच्चे रहेंगे तो क्या फेंक दूँगी थोड़ी ना एक को तीन बच्चे क्या मेरे अपने नहीं होते हैं क्या तो ये चीज़ है पता नहीं क्यों वो उन्होंने कमेंट ऐसा किया था मुझे पता नहीं है क्या सोचे थे तो चलिए यहाँ पर मैं मकर संक्रांति मना लेती हूँ तो सभी को बैठा दी हूँ सभी का स्नान हो चुका है तो यहाँ पर सब्जी साथ में ये गुड़ जिसे कि भूरा कहते हैं गुड़ और दही साथ में सब्जी और तिलकुट तो नहीं देंगे क्योंकि आज खाना नहीं है इसके बाद खाना पीना करने के बाद जितने भी कपड़े थे मैंने धोए थे ये बारह बज चुके थे तो अभी मैं डाल रही हूँ धूप में धूप तो आया ही नहीं है देख सकते हैं तो चलिए थोड़ा मोड़ा धूप लग अभी आया है हल्का फुल्का लेकिन उतनी धूप नहीं कड़ा लग रहा है मुझे फिर भी डाल दिया है सूखते रहेगा तो चलिए हम वीडियो को भी एंडिंग करते हैं वीडियो पसंद आया आप लोगों को वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो नए हैं जो भी फ्रेंड देख रहे हैं वो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बाय बाय गुड डे